दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों आपके फ़ोन में HDFC बैंक एप्लीकेशंस के OTP नहीं आ रहे हैं तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके भी फ़ोन में HDFC बैंक एप्लीकेशंस के OTP नहीं आ रहे और आप भी इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। दोस्तों जैसे अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करेंगे यहाँ पर आपके समय इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप का, आपको ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके समय इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फर्स्ट में यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट का, आपको ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके फ़ोन में जो भी ऐप रहेगी वो ऐप आपके सामने आ जाएगी। तो सिंपली यहाँ से आपको अपनी मैसेज एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि HDFC एप्लीकेशन पर OTP नहीं आ रहे तो हमें मैसेज एप्लीकेशन ओपन क्यों करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप जब भी HDFC बैंक एप्लीकेशन पर अपने मोबाइल नंबर डाल के सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पर OTP कहाँ नहीं आ रहे, मैसेज एप्लीकेशन पर नहीं आ रहे। जाके हमारे सब OTP मैसेज वगैरह आते हैं वो मैसेज एप्लीकेशन पर आते हैं तो वहाँ पर मैसेज एप्लीकेशन पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर HDFC बैंक एप्लीकेशन पर यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको मैसेज एप्लीकेशन को ओपन करना है। दोस्तों जैसे मैसेज एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे यहाँ पर आपके समय इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्टोरेज का, स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने फिर से इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कलर स्टोर का, फर्स्ट में कलर स्टोर ऑप्शन पे क्लिक करके ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि मैसेज एप्लीकेशंस का जो भी ऐप पर डाटा रहेगा, जो भी ऐप पर वायरस रहेंगे वो ऐप डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपके HDFC बैंक एप्लीकेशंस के OTP मैसेज एप्लीकेशंस पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपके भी OTP नहीं आ रहे HDFC बैंक एप्लीकेशंस के तो आप भी इस प्रॉब्लम को इस प्रकार ऐप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दो ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके।